आज 23 जून 2019 के महावाक्य हैं जो बाबा ने 17 दिसंबर 1984 को हम बच्चों के प्रति कहे थे। व्यर्थ को समाप्त करने का साधन समर्थ संकल्प। व्यर्थ को समाप्त करने का साधन समर्थ संकल्प का खजाना ज्ञान। व्यर्थ को खत्म करने का साधन समर्थ संकल्पों का खजाना है और वो खजाना है ये ज्ञान मूल्य। आज बाप दादा संगम युगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए। ये रूहानी महफिल रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते, अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परम आत्मा का मिलन ये श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा, इसलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव को संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा। कितने टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक अनुभव करने वाला है, समझने वाला है। पहला है आत्माओं से परमात्मा का मिलन, क्योंकि जब तक हम इसे अनुभव नहीं करेंगे, खुदा से मिलन को अनुभव नहीं करेंगे, फिर हम किसको कहें कि हम खुदा से मिले हैं, कैसे मिले? सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे मिले? और हमारे पास उसका अनुभव नहीं है, हम उसे क्या बताएंगे? ये श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में नहीं होगा, जो हम अब खुदा से मिलकर सुख पा रहे हैं वो जन्नत में नहीं मिलेगा, स्वर्ग में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो समय है, खुदा से मिलने का समय स्वर्ग में नहीं होता। स्वर्ग में तो सुख मिलना है, परंतु खुदा से मिलने का अनुभव तो अभी करना, फिर कभी भी नहीं कर सकते। असंभव से संभव होने का युग, जो दुनिया वाले सोचते ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता, वो बाबा के बच्चों ने करके दिखाया। वो कहते आग और कपास इकट्ठे रहे हो ही नहीं सकता, करके असंभव को संभव, सारी पतित दुनिया को पावन बना देना असंभव बात, नर्क को स्वर्ग बना देना, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना देना, पतित से पावन बना देना, साधारण पतित मनुष्य को फिर से देवता बना देना, महामिलन का युग, क्योंकि रूहों का खुदा से मिलन का युग है, सर्व प्राप्तियों का युग, क्योंकि सारे कल्प के लिए यही एक समय है जो अगले कल्प में फिर से हमको भरकर जाना, सर्व प्राप्तियों का युग यही है। क्या क्या प्राप्तियां होती है एक एक बैठ करके गिन सकते, क्योंकि अभी हमने प्राप्त नहीं किया, फिर पूरे कल्प में कभी भी प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का, एक तो सहज, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और श्रेष्ठ अनुभूतियां,
एक एक अनुभव कितना श्रेष्ठ है, मैं आत्मा, क्या वंडरफुल अनुभव है, मैं परमात्म संतान हूं। हम गाते तो थे तुम यो माता पिता तुम्हें, वंडरफुल अनुभव है। मैं ये देह नहीं हूं, देह से अलग अपने आप को आत्मा अनुभव करना वंडरफुल अनुभव है। ये सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे मेरे भाई हैं, क्या वंडरफुल अनुभव है। एक एक के प्रति दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, बोल बदल गए, कर्म बदल गए, क्या वंडरफुल अनुभव है। एक एक बात को हम देखें, एक एक बात एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर बहुत अच्छी तरह विस्तार से बात की जा सकती है। विश्व परिवर्तन का युग है, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग है। क्या क्या वरदान है, कैसे विश्व का कल्याण होता है, कैसे विश्व का परिवर्तन होता है, ये सारा अनुभव करने का यही एक समय है। ऐसे युग में महान पाठधारी एक्टर कौन है, मक्खन पूरा है बाबा के पास, कितना मक्खन है, सही कह रहा है, मक्खन नहीं है बाबा, तो सही कह रहा है भाई, हमें कितना चढ़ा रहा है, कितना कितना ताकत भर रहा है, मक्खन ताकत भरता है ना, वो मक्खन तो नकली है, वो तो थोड़ी देर के लिए पंप लगाता है, परंतु ये तो ऐसा पंप अंदर भर रहा है जो नीचे उतरने का नाम ही नहीं, वो तो सीढ़ी हटा ले या सीढ़ी हटाने वाला भी नहीं, सीढ़ी पकड़ के खड़ा रहता है। मैं तो कहता है तुम यदि छोड़ दो तो तुम्हारी मर्जी है, हम हट जाए तो अलग बात है, परंतु बाबा तो ऐसी सीढ़ी चढ़ाता है जो उतरने का नाम ही ना, परंतु हमें दूसरी रंगीन सीढ़ियां अच्छी लगती हैं, हम वहां चढ़े चढ़ जाते हैं, क्या करें बाबा, क्या करें बाबा, ड्रामा कहकर एक तरफ खड़ा हो जाता है, ले ले मजे, ले लो मजे, लेने जो लेने ले लो भाई। ऐसे महान नशा, पूरी बोतल का महान नशा सदा रहता है, क्वेश्चन अब जाके पूछा है, मक्खन लगा के ऊपर चढ़ा के फिर पूछा है, अभी है या सारा दिन भी रहता है। सवेरे आए मुरली सुनी नशा चढ़ गया, उसके बाद ये नशा उतर तो नहीं जाता। सारी विश्व जिस बाप को एक सेकंड की झलक देखने की चातरक है, एक झलक भगवान की दिखाई दे जाए, उस बात के सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्मा, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये याद रहता है। क्योंकि ये याद रहेगा तो सीढ़ी पर चढ़े रहेंगे ना, ये भूले तो सीढ़ी से, याद रहता है। ये स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है, ये याद रहेगा तो तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, समर्थता बढ़ती जाएगी। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो, समर्थ अर्थात व्यर्थ खत्म, व्यर्थ समाप्त, समर्थ अर्थात व्यर्थ समाप्त, व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प हैं तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते, समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले जाता है, समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का अनुभव कराता है, माया जीत भी बनाता है, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता है। व्यर्थ संकल्प उमंग उत्साह को समाप्त करता है, वो सदा क्यों क्या की उलझन में रहे। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहे,
छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त क्या कैसे कर, पता नहीं वो कैसे कर रहे, दिल शिकस्त हो गया। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजानों को अनुभव कराने से वंचित करा देता है। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजानों को अनुभव करा, प्राप्त हैं परंतु उनको अनुभव करने से वंचित कर। व्यर्थ संकल्प समस्त जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, सारी प्राप्तियां जो हुई हैं उनको अनुभव करने से वंचित कर देते हैं। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती है। एक प्लान बहुत तेजी से बना और तीव्र गति से बनाते, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट है। इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं लेकिन समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर आ जाता है, इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वो करेंगे, सोचना और करना दोनों समान होगा, सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है, तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बाहर के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गवाने के निमित्त बनता है। व्यर्थ संकल्प हमारी क्या करता है, एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गवाने के निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा हमारी आत्मिक शक्ति और एनर्जी को जमा करता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना है, रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान करता है। व्यर्थ संकल्प हमारी रचना और हम आत्मा उसकी रचयिता, और खुद ही व्यर्थ संकल्प रच के फिर क्या होते, परेशान, शाम से परेशान। मास्टर सर्वशक्तिमान समर्थ आत्मा को की शान से परे कर देते। मास्टर सर्वशक्तिमान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देते। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान की स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो फिर कोई कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता, अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता, इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया था वो है ज्ञान का खजाना, वो है समर्थ संकल्प का खजाना। क्या है ये मूल्य, यहीं से मिलने, कहीं से भी समर्थ संकल्प मिल नहीं सकते। कोई भी मनुष्य इतने पावरफुल संकल्प नहीं दे सकता।
मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण वही तो मुरली रोज वैल्यू क्या हो गई कम हो। क्योंकि इंपॉर्टेंस देते तब बात बनती है ना। जैसे आपने कहानी सुनी थी 1 लाख की 1 लाख, क्योंकि हमने वैल्यू दी ना 1 लाख रुपए की है, तो उसने राजा की जान बचा ली। बात तो कॉमन ही थी, पहले सोचो देखो, तो उसने वैल्यू दी उसकी 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख में खरीदी थी तो उसकी वैल्यू हो जाता राजा के प्राण। हम वैल्यू खत्म कर देते हैं बाबा की मुरली को जरा सा भी तो जाना तो वही पर खत्म हो गया। उस इंपॉर्टेंट बात का, इतनी महत्वपूर्ण बात की कोई वैल्यू नहीं। धारणा नहीं होती तो व्यर्थ को चांस मिल जाता। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि से में व्यर्थ आ नहीं सकता। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आएगा कहां से? मार्जन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता है? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को आह्वान करना। समर्थ संकल्पों को, संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखना नहीं आता तो क्या करते? व्यर्थ संकल्पों को आह्वान करते। तुम आ जाओ भाई, वो तो इंतजार कर रहे कि कब हमारा मालिक खाली हो हम जाए। उसको दुनिया वालों का के बिजी रहो, तो बिजी कहां रहे ये नहीं बता सकते। आप बाबा के बताने में और उनके बताने में क्या अंतर है? बाबा बिजी करने के लिए समर्थ संकल्प देते, दुनिया वाले अच्छे संकल्प जरूर देते, परंतु इतना समर्थ संकल्प जितनी भी वो सफलता प्राप्त करते वो उस बात को वैल्यू देते तो प्राप्त कर लेते। परंतु कोई भी व्यक्ति कितनी भी वैल्यूएबल डायरेक्शंस दे परंतु जब तक कोई करने वाला नहीं होगा तब तक कोई लाभ। बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो। आज बाबा हमें क्या बना रहा है? बिजनेसमैन। ठीक है, तैयार है बिजनेसमैन बनने के लिए? दिन रात, रात को भी और दिन को 24 घंटे का बिजनेसमैन,
दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। तनख्वाह कितनी मिलेगी? तन को खाने वाली कितनी मिलेगी? तनख्वाह, तन को जो खाती है, क्योंकि तन खिलाते हैं तब कुछ मिलता है। तो अब बाबा क्या देगा? मैं दिन रात ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो, ना फुर्सत होगी और ना व्यर्थ संकल्पों को मार्जन होगा। ना फुर्सत होगी ना व्यर्थ संकल्पों को मार्जन। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्प से सदा भरपूर रहो, ये मेडिटेशन, ये योग। बाकी कोई योग नहीं। बहुत अच्छा लगता है, उसका आधार है रोज की मुरली सुनना। रोज मुरली सुनेंगे तो नई नई बात बुद्धि को, कोई ना कोई बात का आधार है रोज की मुरली सुनना। सुनते रोज रहे फिर क्या करे? मुरली को समाना, अपने में समाना, मन मना भव करके एक एक बात बुद्धि को समझाना। भगवान ने कहा है, हेरे गेरे नथु खेरे नहीं कहा, भगवान ने कहा है उसको अपने में समाना, उसका स्वरूप बनना। ये तीन स्टेज, सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, मुरली सुनना तो अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह भी नहीं सकते, छुट्टी भी नहीं करते, रोज आना आते। ये भी स्टेज है, ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने के रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं, बहुत अच्छा ये गीत भी खुशी से गाते हैं, लेकिन सुनना समाप्त हुआ, सुनना समाप्त हुआ तो रस भी समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसे समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। ये गीत भी खुशी से गाते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो रस भी समाप्त हो गया।
क्योंकि समायानी समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न किया नहीं, व्यर्थ आता रहता है, समाने वाले सदा भरपूर रहते। सदा समाने वाले सदा भरपूर रहते, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता, लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते। औरों को भी शक्तिशाली बनाते तो वे कमी रहते। व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले, तो अपने आप से पूछो मैं कौन हूं? सुनने वाले, समाने वाले या स्वरूप? इसलिए तो बाबा कहते समर्थ करो ताकि व्यर्थ ना आए। व्यर्थ ने आना था आया, परंतु हमें बाबा ने क्या समझाया, हमने उसको कितना अपनाया, हमने बाबा के डायरेक्शन पर उस वेस्ट को घुसने कैसे दिया, क्यों घुसने दिया? जैसे हमने कोई काम लेना है, कुछ करना है, टारगेट है, उस तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारे व्यर्थ काम करे पहले, तो फिर हम उस टारगेट पे पहुंचे, तो वो भी एक ड्रामा था या हम उसको अवॉइड कर सकते थे पुरुषार्थ से? देखो हम जो कर रहे हैं वो बाबा के डायरेक्शन पर कर रहे हैं, तो नेचुरल हम आगे बढ़ेंगे और हम बैठ तो नहीं जाएंगे ना, जो होगा तो ऐसे तो बैठ नहीं सकते ना, तो हमने व्यर्थ से बैठना है, नेगेटिव से बैठना है, परंतु पॉजिटिव को बाबा के डायरेक्शन पर मिलने वाले संकल्पों को हमने लगातार बड़ा, तभी व्यर्थ खत्म होता जाएगा। नेगेटिव पहले आता है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, वो तो आगे खड़ा है, वो सबसे पहले नेगेटिव है। धीरे धीरे बन जाए व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले, तो अपने आप से पूछो मैं कौन हूं? स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों को भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं, तो अपने से पूछो मैं कौन? सुनने वाले, समाने वाले या समर्था?
समर्थता की शक्ति। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर परिवर्तन कर देती है। तो शक्तिशाली आत्मा हो ना तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गंवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? हम छोड़ क्यों देते हैं? वो बाबा पहले ने कहा कि उसको वैल्यू नहीं मिलती। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गंवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? बहुत काल का समर्थ ही बहुत काल की संपन्नता राज्य कर सकते। अभी अपने समर्थ स्वरूप द्वारा औरों को समर्थ बनाने का समय है। स्वयं के व्यर्थ को समाप्त करो। हिम्मत है ना, जैसे महाराष्ट्र वैसे ही महान हो ना, महासंकल्प करने वाले हो ना, कमजोर संकल्प नहीं, संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं महान संकल्प। ऐसे महान आत्माएं हो ना। पंजाब वाले क्या सोचते हैं? पंजाब के बहादुर है ना, माया के वशीभूत हो जाना। ऐसे 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 भी माया को ललकार करते हो? माया को ललकार करने वाले हो ना, घबराने वाले तो नहीं हो? जैसे वो कहते हैं हमारा राज्य है और आप भी माया को ललकार करते हो, गर्जना से कहते हो कि आप हमारा राज्य। घबराने वाले तो नहीं हो ना, जैसे वो कहते हैं हमारा राज्य हो, आप भी माया को ललकार करते हो, गर्जना से कहते हो हमारा राज्य आने वाला है। ऐसे बहादुर हो ना, पंजाब वाले भी हैं बहादुर है, महाराष्ट्र वाले महान हैं और कर्नाटका वाले महान भावना वाले। तो खुशी का फल खाने वाले खुश नसीब आत्माएं हो। तो महाराष्ट्र महान संकल्पधारी, पंजाब महान ललकार करने वाले राज्य अधिकारी। महाराष्ट्र अर्थात सब सब में महान, हर संकल्प महान, स्वरूप महान, कर्म महान, सेवा सबसे महान। तो आज महान की तीन नदियां मिली हैं। महान नदियां मिल गई ना तो महान नदियों का संगम। महान नदियां मिल गई ना, महान नदियों का महासागर से मिलन,
इसलिए मिलन महफिल में आए हैं, आज महफिल में महफिल भी मनानी है ना। अच्छा, ऐसे सदा समर्थ बच्चों को सदा हर माँ वाक्य के स्वरूप बनने वाले बच्चों को बहुत काल के समर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सर्व समर्थ आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, दादियों से। ये महामंडली बैठी है, आदि आदि में ओम मंडली रही, अंत में महामंडली हो गई। अभी महान आत्माओं की मंडली है ना, वे अपने को महामंडलेश्वर कहलाते हैं। और आप अपने को महासेवाधारी कहलाते हो। महामंडलेश्वर व महामंडलेश्वरी महामंडलेश्वरी नहीं कहलाते, लेकिन तुम कौन हो? महासेवाधारी। तो महान सेवाधारियों की महान मंडली महासेवाधारी, अर्थात हर संकल्प स्वतः ही सेवा के लिए। महासेवाधारी अर्थात हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए। हर संकल्प में क्या समाई हुई है? तो अनुभव करेंगे कि सेवा के लिए सेकंड और संकल्प भी जा नहीं सकते। महासेवाधारी अर्थात हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए। हर संकल्प द्वारा सेवा होती रहती। जो स्वतः योगी है वो स्वतः सेवाधारी है। सिर्फ चेक करो कि स्वतः सेवा हो रही है, तो अनुभव करेंगे कि सेवा के लिए के सिवाय सेकंड भी संकल्प ना, सेकंड भी, क्योंकि एक सेकंड का भी मौका दिया तो कोई ना कोई वेस्ट थॉट घुस आए। तो भी अनुभव करेंगे कि सेवा के सिवाय सेकंड और संकल्प भी जा नहीं सकता। चलते फिरते हर कार्य करते श्वास श्वास सेकंड सेकंड में सेवा समाई है। इसी को कहा जाता है सेवादारी। ऐसे हो ना, अभी का चांस दिया, अभी विशेष प्रोग्राम से सेवा करने की स्थिति समाप्त हुई, स्वतः सेवा के निमित्त बन गए। ये अभी औरों को चांस दिया है, वे अल्पकाल के यह भी औरों को चांस दिया है। वो प्रोग्राम भी बनाएंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की सेवा अभी स्वतः सेवाधारियों की है। प्रोग्राम के समय तक नहीं, लेकिन सदा ही प्रोग्राम है, सदा ही सेवा की स्टेज पर हो। ऐसी मंडली है ना, जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना चल। सेवा ही जैसे आत्मा का श्वास है, ऐसे हो ना, हम जैसे सांस लेते नेचुरल, ऐसे ही सेवा भी नेचुरल। कितने घंटे सेवा की ये हिसाब निकाल सकते हो? धर्म कर्म ही सेवा है।
चलना भी सेवा, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा, स्वतः सेवादारी, सदा सेवा, सदा की सेवा। धर्म कर्म ही सेवा है, चलना भी सेवा है, बोलना भी सेवा है, करना भी सेवा है, स्वतः सेवाधारी सदा की सेवा। जो भी संकल्प उठता है उसमें सेवा समाई है, हर बोल में सेवा समाई है। कोई व्यर्थ तो समर्थ हो, समाप्त हो गया ना, तो समर्थ माना सेवा। ऐसे को कहा जाता है महामंडली, अर्थात महान आत्माओं की मंडली। समान सभी आपके साथी भी बाप दादा के सन्मुख हैं, ओम मंडली वाले भी सब महामंडली, ओम मंडली वाले सब महामंडली वाले आदि के सेवाधारी, सदा सेवाधारी बाप दादा के सामने सभी महामंडली की महान आत्माएं हैं। फिर पान का बीड़ा उठाने वाले तो महान मंडली वाले हुए ना, पान का बीड़ा उठाने वाले। पान का बीड़ा उठाना माना, पान का पीड़ा उठाना माना जिम्मेवारी लेना। बिना कुछ सोचने के, संकल्प करने के, दृढ़ संकल्प किया और निमित्त बन गए। इसी को कहा जाता है महान आत्माएं महान कर्तव्य के निमित्त बने हो, एग्जाम्पल तो बने, बिना एग्जाम्पल देखे हुए विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी महान आत्माएं हो। अच्छा, आप पार्टियों से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र और पंजाब का ग्रुप है, आप सब बच्चे निर्भय हो ना, क्यों क्यों निर्भय हो? और तो बाबा पूछे क्या जवाब दे, कोई और पूछे तो उसको बुद्धू बना दे, क्यों निर्भय है? और मरने का डर ही नहीं है ना। हाँ, सबसे बड़ा डर है मरने का, वो हम मरते नहीं, हम अमर आत्मा, हम अमर आत्मा है, हम कभी मरते नहीं, हम अजर अमर अविनाशी एक्टर है इस वर्ल्ड ड्रामा के, और हर कल्प हम हूबहू एक्टिंग करते हैं। अब हमें किस बात का डर? सबसे बड़ा डर तो मरने का डर है, वो तो खत्म हो गया, कोई हमें निकाल ही नहीं सकता। आपको क्योंकि आप सदा निर्वैर हो, निर्वैर, जिसका कोई वैर ना हो, जिसका किसी के भी प्रति कोई वैर नहीं, या जिसके प्रति किसी को कोई वैर, निर्वैर। आप किसी से भी वैर नहीं है, आपका किसी से भी वैर नहीं, क्यों? हमारे किसी से वैर नहीं है, सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभ कामना, ऐसी शुभ भावना कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं। तो मैं सबका भला कर रहा हूँ, मेरा कोई बुरा क्यों करेगा? मैं बुरा करूंगा तो मेरा भी बुरा होगा। भयभीत होने वाले नहीं, स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित हैं, तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर हैं। तो सदा सेफ रहने वाले हो ना, बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ है। छत्र छाया से बाहर निकले, लक्ष्मण रेखा को पार किया, मर्यादा को तोड़ा, वो तो कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है।
ये बाप की याद किला कैसे हो सकती है? बाबा याद है मीन्स बाबा के डायरेक्शन याद हैं और बाबा के डायरेक्शन पर चल रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं। बाबा साथ है गड़बड़ हो जाता है। बाबा के डायरेक्शन पर हम एक एक काम कर रहे हैं, अब हमें कौन सा दुख आ सकता है? क्योंकि बाबा का डायरेक्शन में मिस्टेक आई ही नहीं। तो नेचुरल गलती करेंगे नहीं तो दुख आएगा क्यों? ऐसी भी परिस्थिति हो सेफ जरूर हो तो सदा सेफ रहने वाले हो ना। बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ, छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय, छत्र छाया के अंदर निर्भय। कितना भी कोई कुछ भी करे लेकिन बाप की याद एक किला है, जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता ऐसे याद के किले के अंदर सेफ। हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं, वे तो कुछ भी नहीं देख। ये रिहर्सल है, रियल तो और है। रिहर्सल पक्का करने के लिए की जाती है, तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए, बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए समस्या जीत पर। क्या बन गए? समस्या जीत पर। लेकिन लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है, बस सिर्फ मेरा बाबा। ये महामंत्र याद रहे, ये भूले तो गए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना, मतलब मैंने केवल शिव बाबा का डायरेक्शन मानना है और किसी की बात मैंने नहीं मानी। नंबर दो, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। कोई ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघ्न विनाशक आत्माएं हर विघ्न को ऐसे पार करते जैसे विघ्न नहीं एक खेल है। अभी बाबा ने दो तीन दिन पहले क्या कहा, परिस्थितियां अलौकिक खिलौने हैं, परिस्थितियां अलौकिक खिलौने हैं और ये वर्ल्ड ड्रामा अलौकिक खेल, और उस खेल को खेलने वाले हम एक्टर। तो खेल करने वाले सदा मजा आता है ना, जो खेलते हैं तो उनको मजा आता है ना। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। कोई मुसीबत आई उसको पार किया, क्या करें, मुसीबत आई है इसको पार तो करना है, रो रहे हैं, दुखी है, खेल है ये तो, उसको खेल रहे हैं तो अंतर तो है ना। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है, पहाड़ राई के समान अनुभव होता है, पहाड़ जैसी मुसीबत राई जैसी लगेगी। ऐसे विघ्न विनाशक को घबराने वाले तो नहीं, नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि ये सब तो आना ही है, ये सब तो होना ही है। जब पहले से पता होता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती,
अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, अचानक कुछ होता है पहले से पता होता है तो बड़ी बात भी क्या लगती है, पता है ऐसे होना है, कोई बात तैयार है। आदम आप सब नॉलेजफुल हो ना, वैसे तो नॉलेजफुल हो लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूलो मत, उस समय नॉलेज को प्रयोग करो। अनेक बार किया हुआ है, पहली बार तो ना कर रहे हो, हर 5,000 साल बाद आप इस नाटक को पार करते हो, आप रिपीट कर रहे हो। जब नथिंग न्यू है, कुछ नया नहीं, तो सब सहज है। आप सब के लिए की पक्की ईंटें हो, एक एक ईंट को बहुत महत्व है, एक भी ईंट हिली तो सारी दीवार हिला जाएगी। तो आप ईंट अचल हो, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हिलाने वाला हिल जाए आप ना हिले, ऐसी अचल आत्माओं को, विघन विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं, ऐसे बच्चे ही बाप की मुबारक के अधिकारी हैं, ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देख खुश होता है। अच्छा वरदान है आज का, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त परिष्ठा भव, अव्यक्त परिष्ठा भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। समर्थ स्थिति क्या है, आप उसे इस स्विच को ऑन करो। कहाँ है वो स्विच जिसका बटन दबा दे रहे, व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे, और एक एक व्यर्थ संकल्प को आ गया उसको खत्म करो, रोको, जप करो, जब स्थिति समाप्त होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। और समर्थ संकल्प कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, मुरली से आएंगे। आज बाबू ने कहा मुरली से आएंगे। ये है स्विच ऑन करना कि मुझे रोज मुरली पढ़नी है। ये स्विच ट्रिप ना कर जाए, आजकल होता है ना ट्रिप कर जाता है, ट्रिप ना कर जाए तो उसको पकड़ के रखना है कि मुझे केवल बाप के डायरेक्शन जो मिले हैं उसी पर चलना है, नहीं तो माया क्या कराती है, ट्रिप करा देती है, तो वेस्ट थोड़ा आ जाता है। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, जिसके अपने पास कुछ होगा तो देगा, अपने पास कुछ नहीं होगा तो क्या देगा। जहां समर्थ है वहां व्यक्त समाप्त हो जाता है, तो वह यही अव्यक्त परिश्रम को श्रेष्ठ कार्य है। हम कौन है सारे, अव्यक्त परिश्रम, और हमारा कार्य है सबको श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प। श्लोगन, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्माएं, जो सच्चाई के आधार से सब आत्माओं की दिल की दुआएं लेते हैं वो भाग्यवान आत्मा। सत्य ज्ञान देंगे, सत्य व्यवहार करेंगे तो नेचुरल सबके दिल से आपके प्रति दुआएं ही निकले। ओम।